हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबके पास? तो हम करते हैं आज की जगन्नाथ लीला। तो सबसे पहले लीला, एक बार जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, अभी कुछ 2 3 दिन पहले हमने चर्चा किया था, इस तरह एक बालिका पद्मा गीत गोविंद गा रही थी और भगवान जगन्नाथ उसको सुनने के लिए अपने मंदिर को छोड़ के बगीचे में चले गए थे। तो वो जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखा और ये गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय है। तो एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस गीत गोविंद को कुछ कपड़े के ऊपर बुनवा लेता हूँ। कपड़े के ऊपर हो जाता है, लिखा लिख सकते हैं। एक दर्जी के पास जाएंगे तो वो कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट उसके उस इस तरह बुनेगा ताकि उसके ऊपर लिखा जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान जगन्नाथ के एक एक शॉल चादर इस तरह कुछ भेंट करूंगा जिसके ऊपर गीत गोविंद लिखा हो। तो इस तरह एक उसके गांव का एक व्यक्ति तैयार हो गया, वो दर्जी तैयार हो गया वो सब बुनने के लिए, उसके ऊपर टेक्स्ट बुनने के लिए। और गीत गोविंद तो जयदेव गोस्वामी उसके पास गए और वो गीत गोविंद गा रहे थे और ये दर्जी बुन रहा था, टेक्स्ट बुन रहा था। तो वो बता रहे थे और ये बुनता था, वो बताते थे बुनता था। तो लंबा काम चल रहा था धीरे धीरे। तो एक दिन इस तरह जयदेव गोस्वामी उसको बता रहे थे, लेकिन बताते बताते थोड़ा सा वो भाव में आ गए, थोड़ा सा उनको तंद्रा आ गई, निद्रा में एक्सटेसी में चले गए और उनको कुछ होश नहीं था, खो गए थे, पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गए थे। तो जो बुनने वाला था वो रुक गया थोड़ी देर और वो इंतजार कर रहा था कि कब वो फिर से एक्सटेसी से बाहर आके फिर से बताएंगे और वो बुनेगा। उसी समय एक दूसरा साधु आता है, एक अननोन साधु आता है उनकी दुकान पे और उनसे पूछता है क्या हो रहा है। तो वो बताया कि मैं ये जयदेव गोस्वामी अभी एक्सटेसी में चले गए हैं, इनका इंतजार कर रहा हूँ, गीत गोविंद बता रहे थे और मैं लिख रहा था। तो साधु ने बताया कि वो तो मुझे भी आता है गीत गोविंद, तो ठीक है अब उनका इंतजार मत करो, मैं तुम्हें बता दे। तो ये एक अननोन साधु आया था, उसने उसको उनको उस दर्जी को जो बुन रहा था उसको गीत गोविंद बताना शुरू किया। तो तुम बोले तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर जब तक वो निद्रा में है, ध्यान अवस्था में है, तब तक मैं तुम्हें गीत गोविंद बता देता हूँ। तो ये साधु उस दर्जी को गीत गोविंद बताने लग गया और थोड़ी देर में जयदेव गोस्वामी जो इस तरह विभाव अवस्था में थे फिर से वो जाग गए। और जैसे ही वो जागे तो साधु तो उससे पहले गीत गोविंद बता के सब कुछ बता के वो चला गया था वापस। तो साधु चला गया था, थोड़ी देर बाद जयदेव गोस्वामी फिर से जागे और वो दर्जी से पूछने लगे, अरे मैं थोड़ा सा निद्रा लग गई थी, ध्यान में चला गया था तो लेट हो गया, तुम्हें बहुत इंतजार करना हो पड़ा होगा, चलो मैं फिर से बताता हूँ जहाँ से छूट गया था वहां से। तो ये बुनकर बोला कि नहीं नहीं वो तो एक साधु आया था उसने बता दिया, हमने पूरा काम कर दिया। तो बोले कौन साधु आया था, क्योंकि गीत गोविंद तो बोले ये तो दूसरा कोई जानता नहीं, बस मैं जानता हूँ और इसको कोई दूसरा जानता नहीं है, दूसरा आगे कैसे बता सकता है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है बताओ क्या बताया उसने। तो जयदेव गोस्वामी ने जो गीत गोविंद उन्होंने लिखा था, उन्होंने देखा सेम कोई साधु आके उनको बता गया। जयदेव गोस्वामी आश्चर्य में हो गए थे कि कौन आके इस तरह गीत गोविंद बता के गया। और बोले गीत गोविंद तो कोई जानता नहीं है, बस मैं जानता हूँ और पद्मावती उनकी वाइफ वो जानती है, इसके अलावा तो कोई नहीं जानता है, और दूसरा अगर कोई जानता है तो वो भगवान जगन्नाथ है, वो जानते हैं। तो जरूर जयदेव गोस्वामी बोले कि जरूर जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ ही इस तरह एक साधु का रूप लेके आके तुम्हें गीत गोविंद बता के गए हैं। इस तरह जयदेव गोस्वामी के जीवन की ये एक छोटी सी लीला है। हरे कृष्णा। तो